सैम, शुभ रात्रि, अच्छे सपने देखना। मुझे क्या हो गया है? मैं उससे रोज मिलता हूँ और फिर भी मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वॉच कार्ड दौड़ की बैटल लीग 6 सबसे मशहूर खिलाड़ियों के साथ। ये 6 खिलाड़ी लोगों के वोट से चुने जाएंगे, तो बहुत ध्यान से चुनना। और पहले नंबर पर है तुम तो नहीं हो। शायद आखिर में मैं ही जीतने वाला हूँ। अगर ठीक से देखा जाए तो लोग सबसे ज्यादा नील को पसंद करते हैं, तो पहले नंबर पर वही जाएगा। सैम, तुम भी मशहूर हो। मुझे तो लगता है कि तुम भी नील की तरह पहले नंबर पर आ सकते हो। हे, मेरे बारे में बताओ, बताओ। तुम नहीं वीर। सच बताओ तो तुम अभी भी नए हो। किस्मत अच्छी हुई तो तुम पहले 6 खिलाड़ियों में हो सकते हो। आउच, मैडी, तुम भी? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वीर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने अभी अभी तुम्हें ही वोट दिया है। तुम सबसे अच्छे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे मैंने सैम को वोट किया है, हमने बहुत ईमानदारी से एक वोट वीर को और दूसरा सैम को दिया है। हाय। सुनो, तुमने किसको वोट दिया? मुझे वोट दिया, बताओ। ओ, वोट? ओ हाँ, इस बारे में तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। मैं सोच रही हूँ मैं किसे वोट दूँ। तुम्हें तो मुझे ही वोट देना चाहिए। मुझे 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 ये चुनना तो वाकई में मुश्किल लग रहा है। मुझे किसे चुनना चाहिए? वीर या फिर सैम? वीर, एक वोट वीर के लिए। अरे वाह, मुझे एक और वोट मिल गया। आयशा, तुम सबसे अच्छी हो। सैम, तुम्हें तो लोग वैसे ही पसंद करते हैं, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तुम किसी को भी चुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, इतने मायूस मत हो, वैसे मैंने तुम्हें वोट दिया है। मुझे ये सब नहीं चाहिए और मुझे वोटों से कोई मतलब नहीं। इसे हुआ क्या है? इसे अच्छा नहीं लगा कि मैंने इसे वोट दिया? मैं इतना परेशान क्यों हूँ? क्या इसलिए कि आयशा ने वीर को वोट दिया है? सैम? आयशा? ये क्या हो रहा है? मैं अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा हूँ? मुझे लगता है मैं आयशा को चाहने लगा हूँ। मुझे उसे बता देना चाहिए और ये किस्सा खत्म करना चाहिए। लेकिन मैं उसे कहूंगा क्या? आयशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मेरे साथ डेट पर? क्या बकवास है। आयशा, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? ओ, क्या मजाक है, ये सब मैं नहीं भेज सकता। ये भेजा तो आयशा सोचेगी मैं कितना बेवकूफ हूँ। सैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, ये मैंने क्या किया? नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। सुनो, सैम, सैम। हाँ, ये कौन है? सामने मुझे क्यों? क्या 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 क्या? सा मुझे पसंद करता है? ऐसा नहीं हो सकता, वो शायद मजाक कर रहा है। क्या ये सच है? वो तो इस तरह के मजाक नहीं करता। वो ऐसा नहीं है, फिर उसने ऐसा मजाक क्यों किया? क्या वो मुझे सच में पसंद करता है? नहीं, ये किसी और के लिए लिखा होगा। सैम और मैं, इतना अचानक से? क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या उसने ये सब गलती से कहा? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अब बस
मिनट बचा है। कुछ ही देर में नतीजे सामने आ जाएंगे। कौन होंगे इस खास मुकाबले के वो पहले 6 खिलाड़ी? हाँ, बस थोड़ी देर बची है। भगवान, दुनिया भर के चाहने वालों, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। भगवान, भगवान, मुझे इस युद्ध का हिस्सा बनना है। तो वोटिंग खत्म हो गई। वो 6 खिलाड़ी जो इस दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, उन्हें चुन लिया गया है। आप सबने कमाल कर दिया। मुझे पता था वीर कर लेगा। मैं ये दौड़ प्रतियोगिता जरूर जीतूंगा, चाहे जो हो जाए, देख लेना। तो वीर और सैम दोनों ने कर दिखाया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो सैम, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम खुश नहीं हो? हाँ, क्या हुआ है? क्या झगड़ा हुआ है? नहीं, मुझे किसी से मिलने जाना है, मुझे माफ करना। मुझे भी कुछ काम है। सैम, दरवाजा उस तरफ नहीं है। ओ हाँ, सही कहा। हाँ, तुम जानती हो ये संदेश मुझे किसने भेजा? वो सैम है। क्या? सैम? हाँ हाँ, और ये सब इतना अचानक हो गया, और तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्म आ रही है, और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। आओ, तुम्हें ईमानदार बनना चाहिए। देखो, सैम को बता दो कि तुम क्या चाहती हो। मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ? मैं खुद नहीं जानती मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। तुम्हें आखिर में पता चल जाएगा। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। जब सिड ने अपनी चाहत के बारे में बताया तो मैं उसे नजरअंदाज करती रही। शीना, सच में? हाँ सच में, वो बहुत खूबसूरत तो नहीं था, पर वो हर एक दिन बहुत कोशिश करता था। तो बाद में जब उसने वो सब बंद कर दिया, तब मैंने इस बारे में सोचा और उसे याद किया, और तब मुझे लगा मुझे वो पसंद है। तो तुम फिक्र मत करो और पहले जैसी बनी रहो। तुम सैम के साथ पहले जैसी रहो। ये सब ठीक हो जाएगा, आखिर में सब ठीक हो जाता है, परेशान मत हो। शायद तुम ठीक कह रही हो शीना, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। सैम जरूर इस बात से परेशान हो रहा होगा। हाय सिड। तुम जरूर किसी बात से परेशान हो, जरा मुझे भी बताओ कि क्या बात है। इसी वजह से अब मैं आयशा के सामने नहीं जा सकता। पता नहीं मैं अब क्या करूंगा। सैम, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं जवान था, जब मैं पहली बार शीना से मिला, तभी उसे पसंद करने लगा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसे रोज घूमने जाने के लिए पूछता था। ये तुम्हारे लिए, मेरे साथ घूमने चलोगी? शीना मुझे नजरअंदाज करती रही। मैंने उसे रिझाने की बहुत कोशिश की, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। पर मैंने ठान लिया कि मैं शीना का इंतजार करूंगा। मुझे यकीन था कि मेरी सच्चाई उसे मना कर रहेगी। अच्छा, रोज मैं शीना के घर के बाहर इंतजार करता कि वो कभी तो मानेगी। और वक्त के साथ शीना समझ गई कि मेरा प्यार सच्चा है, और आखिर में शीना ने मुझे पसंद किया। यूहू! इस तरह से हम मिलने लगे और शादी कर ली। अभी आयशा भी उलझन में होगी और कुछ समझ नहीं पा रही होगी, पर तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और काफी वक्त से, तो तुम्हें उसे कुछ वक्त देना होगा, देखना सब बदल जाएगा। तो मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा, है ना? मुझे उसे वो सब नहीं कहना चाहिए था, काश ऐसा नहीं होता। सैम, प्यार से शर्मिंदा नहीं होते। चलो अब हिम्मत रखो, अगर तुम अपनी भावनाओं के साथ बने रहोगे तो आयशा की सोच भी बदल जाएगी। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? बिल्कुल, प्यार में धैर्य रखो, धैर्य। अपने दिल में ये आग सुलगती रहने दो, और अपने प्यार के लिए आखिर तक लड़ते रहो, आखिर तक। ठीक है, शुक्रिया सिड। ओह,
क्या इत्तेफाक है, तुम दोनों यहाँ कैसे मिल गए? हाँ, ये क्या कमाल का इत्तेफाक है। अरे सिड, आज हम बाहर खाना खाने जाने वाले थे ना? मुझे तो ये याद नहीं। पगले कहीं के, हमने सोचा हुआ था। याद आया, बच्चों मैं चलता हूँ। रुको। सैम, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाली थी। नहीं, मैं कुछ खाने के लिए जा रही थी। सच में मैंने बस अभी कुछ खाया है।